नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं अभिकारी शब्द। बात मैंने कल की क्लास में कर दी थी, कल मैंने थोड़ी सी परिभाषा और इसकी थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने अविकारी शब्द क्या पढ़ा था? अविकारी शब्द अविकारी या इसे अव्यय भी कहा जाता है, इसे अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। अविकारी प्रमुखता आपके दो ये आ क्या है, आपका उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। अगर बात करें इसकी शब्द की, शब्द इसमें का ही है, ई भी इसमें उपसर्ग है और आपका ई आपका प्रत्यय है, ठीक है। अब इसको तोड़ के हमने बता दिया, आ यानी नहीं, विकार यानी परिवर्तन, ई प्रत्यय है जिसमें आपके किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन ना हो जिन शब्दों में, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का आपका शाब्दिक अर्थ होता है व्यय यानी खर्च होना, अव्यय यानी जो खर्च ना हो। वे शब्द जो आपके लिंग वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें मूलतः आपके अविकारी शब्द कहते हैं। दोबारा सुनिए, जो शब्द आपके लिंग वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे विकारी होते हैं और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ उदाहरण लिखा था, मैं यहाँ लिखती हूँ, लिखना क्या है, क्रिया है, लेकिन अगर वाक्य देखें तो मैं यहाँ लिखती हूँ स्त्रीलिंग है। लिंग क्या है यहाँ पे? स्त्रीलिंग। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखती हूँ को आपका पुल्लिंग का परिवर्तित कर दिया, तो यहाँ आपका क्रिया आपकी परिवर्तित हो गई। यहाँ आपके हम यहाँ, मैंने यहाँ वचन परिवर्तित करा है, हम यहाँ लिखते हैं तो मैंने यहाँ पर आपके वचन को भी परिवर्तित कर दिया। हम यहाँ लिखेंगे यानी आपके लिंग वचन और जो काल के अनुसार आपके परिवर्तित हो जाते हैं वो आपके विकारी शब्द है। यानी ये सब जो परिवर्तित हो गए, जिनमें बदलाव आ गए हैं, वो सभी क्या है आपके विकारी। लेकिन जब आपके विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, अब आप गौर से देखो प्रश्न को, उदाहरण को, यहाँ आपके यहाँ में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, जो विकार उत्पन्न नहीं हो रहा किसी भी परिस्थिति में वो आपके क्या है, अविकारी शब्द है। आगे देखते हैं, मैंने इसकी परिभाषा समझा दी थी, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित तो हो जाते हैं वह आपके अविकारी होते हैं, ठीक है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन एवं काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है वह आपके अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्रिया अविकारी या अव्यय शब्द आपके पांच भागों में मैंने बांटे थे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधी और आपके निपात। मैं इस वाली क्लास को एक बार और बता देती हूँ। विकारी शब्द बताया था मैंने आपको, विकारी शब्द ये कौन कौन से होते हैं आपके, ये भी आपके चार प्रकार के माने गए हैं, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्षण और क्रिया, विशेषण और ये हैं आपके विकारी शब्द, यानी इनमें आपके परिवर्तन होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अविकारी शब्द, जैसे कि ये आपके पांच प्रकार के माने गए हैं। एक होता है आपका क्रिया विशेषण, नंबर दो है आपका में आदि बोधक है, आदि बोधक, नंबर तीन है आपके पास संबंध बोधक, नंबर चार है आपके पास पांच आता है आपके पास
वैसे तो बहुत सी बार किताबों में या कहीं पे भी आपको ये चार ही आपके अभिकारी शब्द देखने को मिलेंगे, क्रिया विशेष आदि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। निपात आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये अभिकारी शब्द का ही एक रूप माना गया है। ठीक है, जैसे कि तो, भी, भर, तक, इस प्रकार के ये शब्द हैं, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके नहीं बदलते हैं, ये भी आपके इसी माने जाएंगे। आगे मैंने बता दिया था आपको क्रिया विशेषणों पे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। चलिए, इसके भी आपके उपभेद माने गए हैं, यानी क्रिया विशेषण के भी आपके उपभेद माने गए हैं। नंबर एक है आपके पास प्रीति, नंबर एक है प्रीतिवाचक, प्रीतिवाचक अव्यय। नंबर दो है आपके पास स्थान बोधक, नंबर दो है स्थान बोधक, नंबर तीन परिमाण, मान लीजिए आप काल, काल वाचक, काल वाचक और नंबर चार आएगा आपका परिणाम, या कह सकते हैं हम परिणाम वाचक। नाम वाचक या अव्यय, ये आपका स्थान या स्थानवाचक, स्थान वाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और आपके परिणाम वाचक या अगर हम बात की जाए यहाँ पर आपके क्रिया विशेषण अव्यय की, रीतिवाचक की, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक और आपके परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसके भी आपके चार उपभेद माने गए, यानी के भाग के भी आपके पार्ट, यानी प्री पार्ट। ठीक है, यानी प्री टाइप इसके भी आपके माने गए हैं। आगे देखते हैं, नंबर एक हम लिखेंगे आपके क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर एक हम आ जाएंगे आपके क्रिया क्रिया विशेषण, इसको भी हम देखते हैं आपके क्रिया विशेषण। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रिया विशेषण आपके वे शब्द आपके जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि आपको क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी पहले परिभाषा, शब्द या की
ताकि वो प्रकट करते हैं, प्रकट का विशेषण प्रकट क्या वे अव्यय शब्द के आपके क्रिया की विशेषता को आपके क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, क्या की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, क्या विशेषता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइन आप कर लेते हैं। यह विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाए दिए थे, ये प्रमुखता आपके चार प्रकार के माने गए हैं। ये कितने प्रकार के माने हैं आपके, चार प्रकार के माने। आपके चार प्रकार के माने गए हैं, कौन कौन क्या प्रकट हैं भाई, ये आपके हैं। हम पहले परिभाषा में बांधते हैं क्रिया विशेषण अव्यय को। इसको हम परिभाषा में मानते हैं, परिभाषा क्या कहती है आपकी। अव्यय शब्द या की तो ता
अव्यय हैं। तो आपकी क्रिया की क्रिया को प्रकट करते हैं, और ये आपके चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपके चार प्रकार के देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आपके चार प्रकार के माने गए, आपका सबसे पहले आता है आपका कीर्ति वाचक, पर नंबर दो आता है आपके पास स्थान नंबर तीन आता है आपके पास परिणाम वाचक ये नंबर तीन, और चार है आपके पास काल वाचक या पर, यानी आपके ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक, जहाँ रीति यानी ढंग तरीका, यानी क्रिया को करने का ढंग या तरीका क्या है, उसको करने का तरीका है आपके रीति कहलाती है। जहाँ हमें स्थान का बोध होता है वो स्थान वाचक कहलाते हैं। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण आपके, जहाँ हमें परिणाम पता चले आपके, वो आपके परिणाम वाचक कहलाएंगे। और आपके काल वाचक आपके होंगे, आपके यहाँ पे आपके समय के बारे में हमें पता चले तो काल वाचक क्रिया विशेषण होंगे। आगे देखते हैं हम आपके परिणाम है ना कि परिमाण, परिमाण होता है परिमाण, परिमाण वाचक, परिमाण यानी होता है आपके मात्रा संबंधी, यानी माप संबंधी, मात्रा संबंधी यानी तो क्रिया की जो हम विशेषता बता रहे हैं वो उसकी मात्रा संबंधी विशेषताओं को प्रकट करना आपके क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं नंबर एक चलेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर एक यानी हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले। इसके हम चार उपभेदों के बारे में जानकारी लेंगे। चार उपभेद क्या थे, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और आपके कालवाचक। ये आपके चार आपकी क्रिया की विशेषताओं के उपभेद माने गए हैं, स्थानवाचक, कालवाचक आपके और आपके परिमाणवाचक। तिथि का चलिए नंबर एक, नंबर एक तिथि वाचक या अव्यय, जैसे कि नाम से ही पहली बात ही हम देख रहे हैं रीति वाचक, यानी आपका रीति का जो अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ, रीति का शाब्दिक अर्थ होता है तरीका या ढंग। रीति का अगर हम बात करें तो रीति का शाब्दिक अर्थ है, का शाब्दिक अर्थ है शैली,
अंग, या फिर हम कह सकते, यानी किसी भी कार्य को करने का जो शैली होती है, तरीका होता है, सबका अपना अपना होता है, वही आपके क्या कहलाता है, कि वाचक या विशेषण, यानी काम को करने का ढंग या तरीका आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ में आया? यानी जिस कार्य को करने से, ये आपका क्या है, शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, आपके जिस कार्य को, कार्य को करने से, करने से शैली, अंग, या तरीका, शैली, अंग, तरीका पता चले, ज्ञात हो या पता ज्ञात हो से वाचक या विशेषण अव्यय यानी कार्य को करने से हमें उसकी शैली या ढंग का पता चले, उसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी क्रिया को करने का ढंग या तरीका, ठीक है, या शैली, हर व्यक्ति का अपना कार्य को करने का तरीका होता है, ढंग होता है, वही उसी को ही व्याकरण की दृष्टि से आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण में बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे जोर जो तेजी धीरे धीरे आगे, जल्दी 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 तेज तेज अचानक अचानक आगे फटाफट धड़ाधड़ 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 इत्यादि। यानी ये क्या है, आपका कार्य को करने का ढंग, यानी कोई तेज तेज करता है, कोई जल्दी जल्दी चलता है, कोई ध्यान पूर्वक करता है, ध्यान पूर्वक भी आ जाएगा, ध्यान पूर्वक। तो ये सब क्या है, आपका कार्य को करने का ढंग या तरीका। चलो इस चीज को मैं एक उदाहरण से और समझाती हूँ आपके, कि आपके जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा आपका मैंने लिखा वाचक का उदाहरण लिखवा रही हूँ मैं, वाचक का। अब आप ना कभी भी कोई, मान लीजिए कोई आपके लिए उदाहरण आ जाए, यानी वाक्य आपके एग्जाम्पल में, मान लीजिए आपके प्रश्नों में कोई उदाहरण आ जाए, तो आप प्रश्न करोगे कैसे। जब मैंने क्रिया समझाई थी तो मैंने आपको अकर्मक सकर्मक जब समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था क्यों और किसका, जब प्रश्न पूछते हैं तो आपके, सॉरी, क्या या किसका का प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ आपके असकर्मक क्रिया होगी। जैसी तरह आपका, यदि आप प्रश्न पूछोगे कैसे, आपने पूछा कैसे, तो आपको
उत्तर मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। अगर आपका उत्तर संतुष्टिपूर्ण है तो आपका जवाब प्रीतिवाचक के रूप में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा राधा, राधा नाचती, राधा नाचती, राधा नाचती, या फिर मैं महिमा, नाचती। अब आपने पूछा कि कैसे नाचती है, आपने प्रश्न पूछा कैसे नाचती है, यानी आपका प्रश्न है कि महिमा कैसे नाचती। तो आपने जवाब मिल रहा है भाई महिमा आपके धीरे धीरे नाच रही है, महिमा आपके हो सकता है जोर जोर से नाच रही हो, महिमा आपके जोर जोर से नाच रही हो, महिमा आपके अचानक ही नाचने लगे, अचानक नाच, महिमा ध्यान पूर्वक नाचती, ध्यानपूर्वक नाचती है। महिमा कैसा नाचती है, महिमा ऐसा नाचती है, यार कैसा नाचती है, आपने कुछ ऐसा नाचती है, यार वो तो वैसे नाचती है जैसे वो लड़की नाचती है, वैसा नाचती है। ठीक है, तो यानी आपके प्रश्न करने पे और आपने बोला कैसे नाचती है भाई, जल्दी जल्दी भी नाचती है, आपने बोल लिखा था जल्दी जल्दी भी। तो यदि आपके पास कैसे का जवाब यदि मिल जाता है, का जवाब कैसे, प्रीतिवाचक में आपको क्या देखना है कैसे। तो जब महिमा कैसे नाच रही है, आपने दे बोला धीरे धीरे नाच रही है, जोर जोर से नाच रही है, तो आपको यदि जवाब मिल रहा है संतुष्टिपूर्ण, तो वहां आपका उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में ही होगा। दोबारा समझिए, यदि आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, मैं कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न, ठीक है, तो आपको उन उदाहरणों के पीछे कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कैसे। जैसे ही आपने कैसे का प्रश्न करा, वैसे ही आपके पास उत्तर आएंगे इस प्रकार के, धीरे धीरे, जोर जोर, अचानक, ध्यान पूर्वक, ऐसा वैसा, जल्दी। ठीक है, ये आपके क्या है, यानी रीति बता दे, ढंग, तरीका, यानी कार्य को करने का ढंग, यानी तरीका, यानी ये महिमा कैसा तरीका आसमा रही है धीरे धीरे, जोर जोर से, अचानक, तो यानी ये क्या है आपका रीतिवाचक, क्या है, ढंग है, क्या तरीका है, और इसको एक शब्द में और बांधते हैं शैली, यानी ये कार्य को करने का तरीका, ढंग, शैली आपके कहलाती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर आप यहाँ पर कुछ भी उदाहरण लिखोगे तो आपके इसमें आपको कैसे का प्रश्न करना होगा। आगे चलें या फिर इसी को और आगे बढ़ाएं, चलिए इसके और मैं उदाहरण करवा रही हूँ, जैसे कि जैसे, और देखते हैं इसको उदाहरण, दादाजी दादा
हैं। अब धीरे धीरे क्या है आपके पास, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नंबर दूसरा देखते हैं, छात्र कक्षा में जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर आपका। अब मैंने हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, याद रखिए हम अव्यय पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का हम उपभेद पढ़ रहे हैं रीतिवाचक, यानी हम क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता। अब ये क्या है आपकी, क्या है घूमना, क्या है आपकी क्रिया, क्रिया कैसे हो रही है धीरे धीरे, क्रिया की विशेषता कैसे हो रही है, यानी ये जो ये क्या है आपकी विशेषता है, ये क्या है आपके क्रिया की विशेषता कैसी है धीरे धीरे, ढंग तरीका क्या है इस प्रकार। तो यानी जो विशेषता है उसको आपके इन शब्दों में बांध दिया गया है। चिल्लाना क्या है भाई, चिल्लाना भी यहाँ पर आपके क्रिया है, चिल्लाना क्या है क्रिया। अब चिल्ला कैसे रहे, विशेषता क्रिया कैसी है, क्रिया की विशेषता क्या है भाई, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ये भी आपका ढंग है, ये भी आपका क्या है ढंग है, ढंग, और जोर जोर से चिल्लाना भी आपका क्या है ढंग है। तो आपके जहाँ ढंग या तरीके की बात आएगी वह आपके क्या होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय के। चलिए आगे देखते हैं, वह बाजार से जल्दी जल्दी आ गया आपके, क्या है आना, क्या है आपके क्रिया है, आना क्या है आपकी क्रिया। अब क्रिया की, क्रिया की विशेषता क्या है भाई, ये क्या है जल्दी जल्दी, ये क्या है आपके जल्दी प्रकार आपके क्या है क्रिया का ढंग है, ये क्या है क्रिया का ढंग। ठीक है आगे देखते हैं, और देखते हैं जी फटाफट क्या अब फटाफट हो गए, यानी आपका ये क्या है आपके क्रिया की विशेषता है। तो आपके तैयार होना कैसे हो गए फटाफट, या फिर इस वाक्य को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पिताजी अचानक, पिताजी ऑफिस से अचानक आ गए, पिताजी ऑफिस से अचानक आ। अब ये क्या है आपका आना, क्या है यहाँ पर क्रिया, आना क्या है क्रिया, कैसे आए अचानक, यानी विशेषता क्या है ये है, तो कैसे आ गए अचानक आ गए, यानी ये क्या है आपका ढंग है तरीका है,
ये आपकी क्या है, विशेषता है। एक और देखते हैं, खाने खाना फटाफट फटाफट ना, खाने खाना फटाफट बना लिया। तो बनाना क्या हुआ यहाँ पर, क्रिया। बनाना क्या है, क्रिया। कैसे बनाया, प्रश्न मैंने पूछा कैसे बनाया, चलिए तो आपके पास जवाब आया भाई फटाफट बनाया। कैसे बनाया, फटाफट बनाया। तो आपके प्रश्न करने पे अब दोबारा इन उदाहरणों को एक बार और देखते हैं, ठीक है। हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण पढ़ते हैं। चलिए, दादाजी बगीचे में घूम कैसे घूमते हैं भाई, मैंने धीरे धीरे पे आपके हाथ लगाया, छुपा लिया धीरे धीरे। तो मैंने पूछा पिताजी दादाजी बगीचे में कैसे घूमते हैं, आपने जवाब जल्दी जल्दी घूमते हैं, धीरे धीरे घूम के, भाग भाग के घूमते हैं। तो उनका ढंग या तरीका आपने बताया, यानी मैंने प्रश्न कैसे करा आपका, कैसे करते हैं। और प्रश्न कहाँ पे करना है आपको, इस जगह करना है। तो आपके उत्तर भी आपके क्रिया से पहले करना है, कैसे, तो आपको मिल जाएगा जवाब। छात्रा कक्षा में कैसे चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जवाब मिल गया। वह बाजार से कैसे आया, वह बाजार से कैसे आया, कैसे, यहाँ पर आपको प्रश्न करना है कैसे, तो आपका जवाब मिल जाएगा जल्दी आया, फटाफट आया, भाग के आया, धीरे धीरे आया, कुछ भी आप जवाब दे सकते हो, लेकिन कैसे आपको प्रश्न करना है। इसी तरह पिताजी ऑफिस से कैसे आए, ठीक है। माँ ने खाना कैसे बनाया, फटाफट बना लिया। माँ ने खाना कैसे बना लिया, फटाफट बना लिया। यानी आप यदि इन प्रश्नों के आगे कैसे प्रश्न, तो आपका उत्तर आपको क्रिया विशेषण या तरीके में अवश्य मिलेगा। यही इसका तरीका है, यही रीतिवाचक के उदाहरण है। आगे देखते हैं हम नंबर दो, इसी का नंबर दो देखते हैं। आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण नंबर दो, स्थान वाचक जैसे कि नाम से ही पता चला स्थान वाचक, ठीक है। इन वाक्यों में क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो, ठीक है, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेष, ठीक है। जैसे कि स्थानवाचक, अब देखें स्थान का शाब्दिक अर्थ, स्थान का शाब्दिक अर्थ है जगह, क्या है, यानी जगह संबंधी आपको विशेषता प्रकट हो। चलिए देखते हैं, वे शब्द, वे शब्द जिनसे क्रिया की स्थान संबंधी क्रिया की प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण
अवैध, अवैध कहते हैं। स्थान का शाब्दिक अर्थ है आपका जगह। वे शब्द जिनसे क्रिया की हम क्रिया विशेष याद रहे, क्रिया की स्थान संबंध का प्रकट हो उसे हम क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे पहचान क्या है, कि पहचान देखते हैं कि जो पहचान है। नीतिवाचक में हमने प्रश्न कराता कैसे, नीतिवाचक में हमने क्या कराता, कोई भी आपके सामने उदाहरण आता है, हमने प्रश्न कैसे कराता कैसे। यहाँ आपको क्या करना है, आपको प्रश्न करना है कहाँ। यदि आप कहाँ का प्रश्न करते हो तो अगर आपका उत्तर मिल जाता है तो वही आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मैं कैसे आपके कल कल कहाँ वहाँ हाँ। आगे इत्यादि, यानी आपको वाक्य में आपका प्रश्न करने पे आपको ये आपको ढूंढना है। ये शब्द आपको यदि मिलते हैं तो ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। चलिए जैसे कि मैंने अभी आपको लिखा था महिमा नाचती है, अभी आपके सामने उदाहरण लिखा था महिमा नाचती। अब आपने प्रश्न करा कि महिमा कहाँ नाच रही है, आपने क्या करा, महिमा कहाँ नाच रही है। आपको क्रिया से पहले ही करना है, क्योंकि हम क्रिया की विशेषता के बारे में बात करें तो क्रिया से पहले ही करना है। तो महिमा कहाँ नाचती है आपके, महिमा ऊपर नाचती, कहाँ वहाँ अंदर बाहर इधर उधर। यानी माँ का जो नाचने का वो इस प्रकार है। ठीक है, तो आप अगर बात करें तो हम स्थान की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रश्न करोगे कहाँ, प्रश्न आपने करा कहाँ, तो आपको उत्तर के रूप में ये सब मिलते हैं, तो वहां आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आपके में आपके दाएं बाएं ये शब्द भी आपके आ जाएंगे। तो ये है आपके, और इसके उदाहरण देखते हैं। तो जैसे ही आपने प्रश्न करा महिमा कहाँ नाचते, महिमा ऊपर नाचती है, नीचे, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न करने से आपके ये आपके आंसर आएंगे। आगे उदाहरण लिखते हैं, जैसे और देखते हैं उदाहरण। जैसे साइकिल हाँ करो, साइकिल को कहाँ खड़ी करना है आपको, कहाँ
आपके रूप परिवर्तित नहीं होगा। आप खड़ी करो तुम सर जाओ सर, क्या की विशेषता बताई जा रही है, सर जाओ। बालक इधर हैं, आपकी क्रिया कहाँ घूमते हैं, इधर। जिन वाक्यों से आपको कहाँ का प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है वे सभी उदाहरण आपके स्थानवाचक के अंत आ जाएंगे। और देखते हैं बालिका राधा है आपके आपने पूछा राधा कहाँ सोती है, तो हमें उत्तर मिला वह कहाँ रहती है, वहाँ अंदर रहती है, भीतर रहती है। यानी आपको उत्तर जब ये मिल जाएंगे तो वे सभी वाक्य आपके स्थानवाचक क्रिया विशेष के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, यानी हम आपके क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं और क्रिया विशेषण के मैंने आपके दो उपभेद करा चुकी हूँ, रीतिवाचक और आपके स्थानवाचक। क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।